नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। देश में भाजपा के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पार्टी अपना दल एस लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी। पूरी खबर जनपद अमेठी से। कहा यह भी जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विकल्प के तौर पर अपना दल एस को बढ़ाने में जुटी है। अमेठी में अपना दल एस जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करती नजर आ रही है। पूरे जनपद में पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इसी क्रम में गुरुवार को अपना दल एस के जिला अध्यक्ष भोला प्रसाद वर्मा, अमेठी विधानसभा अध्यक्ष शिवम तिवारी की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में अपना दल एस कार्यकर्ताओं ने युवा मंच के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मयंक शुक्ला का अमेठी के गोसाईगंज चौराहे पर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर अपना दल एस के जिलाध्यक्ष भोला प्रसाद वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष शिवम तिवारी ने नवनियुक्त पदाधिकारी को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि मयंक शुक्ला के पार्टी से जुड़ने से निश्चित रूप से अमेठी के युवा वर्ग में पार्टी और मजबूत होगी। अमेठी से ब्यूरो चीफ समर बहादुर सिंह। जिलाध्यक्ष, मैं अपना दल से हूँ। मैं अपना दल को जितना ज़्यादा मजबूत कर सकूँगा, ज़्यादा अपने युवा भाइयों को मजबूत करूँगा। 2024-2027 के चुनाव में मैं अपना दल को पूरे जिले में पार्टी को जिताने में पूरी पूर्ण सम्मत और पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहूँगा। अपने युवा भाइयों का मैं शिवम तिवारी, अपना दल एस से विधानसभा अध्यक्ष हूँ, 186 विधानसभा से। आज अमेठी जनपद के युवा मंच के जिला अध्यक्ष बनाए गए थे, उनके स्वागत करने के लिए हम लोग कई पदाधिकारी और यहाँ के क्षेत्र के लोग भी उपस्थित रहे और सब लोग मिलकर इनका स्वागत किया। और आशा यही है कि युवा का संगठन पूरे जिले में ढंग से मजबूत करेंगे और इन सब में हम सब पदाधिकारी इनके साथ खड़े हैं। हम जिला अध्यक्ष अपना दल एस पटेल भोला प्रसाद वर्मा, हमारे यहाँ जनपद अमेठी के युवा मंच के जिला अध्यक्ष श्री मयंक शुक्ला जी का बहन अनुप्रिया पटेल, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजकुमार पाल जी के आदेशानुसार इनका चयन किया गया है। आज यहाँ पर हमारे सभी जिले और विधानसभा स्तर के, प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के, क्षेत्रीय कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के इनके स्वागत समारोह किया जा रहा है और नवनियुक्त विधायक मतलब जिला अध्यक्ष को और यहाँ के उपस्थित सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए पुनः हम सब इनके आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि हमारे पार्टी के लिए पूर्ण रूप से मजबूती का काम करें। जिस प्रकार से आप समय युवाओं को अपने दल में शामिल कर रहे हैं, आपको लगता है 2027 में यही युवा अपना दल से यहाँ चुनाव भी लड़ेंगे? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। मैं अपने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी के इस कार्यक्रम को देखते हुए मैं स्वयं बहुत उत्साहित और गदगद हूँ कि आने वाले 2027 तक का हमारा अमेठी बहुत बढ़िया रिस्पांस देगा, बहुत बढ़िया चुनाव के विषय में हम सबकी अच्छी से तैयारी करके आने वाला दिन जो है शुभ होगा। किस तरह का प्रोग्राम जिला अध्यक्ष अपना दल एस पटेल भोला प्रसाद, हमारे यहाँ जनपद अमेठी के युवा मंच के जिला अध्यक्ष श्री मयंक शुक्ला जी का बहन अनुप्रिया पटेल, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजकुमार पाल जी के आदेशानुसार इनका चयन किया गया है। आज यहाँ पर हमारे सभी जिले और विधानसभा स्तर के, प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के, क्षेत्रीय कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के इनके स्वागत समारोह किया जा रहा है और नवनियुक्त विधायक मतलब जिला अध्यक्ष को और यहाँ के उपस्थित सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए पुनः हम सब इनके आशा बहन अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद मयंक शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद मयंक शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मयंक शुक्ला जिलाध्यक्ष, मैं अपना दल से हूँ। मैं अपना दल को जितना ज़्यादा मजबूत कर सकूँगा, ज़्यादा अपने युवा भाइयों को मजबूत करूँगा। 2024-2027 के चुनाव में मैं अपना दल को पूरे जिले में
पार्टी को जिताने में पूरी पूर्ण सहमत और पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। शिवम जी, आज कैसा कार्यक्रम रहा आपका, आप लोग क्यों एकत्रित हुए? मैं शिवम तिवारी, अपना दल एस से विधानसभा अध्यक्ष, 186 विधानसभा से। आज अमेठी जनपद के युवा मंच के जिला अध्यक्ष बनाए गए थे, उनकी उनके स्वागत करने के लिए हम लोग कई पदाधिकारी और यहाँ के क्षेत्र के लोग भी उपस्थित रहे और सब लोग मिलकर इनका स्वागत किया। और आशा यही है कि युवा का संगठन पूरे जिले में ढंग से मजबूत करेंगे और उस समय हम सब पदाधिकारी इनके साथ।